समाधि के सोपान प्राक कथन। यह पुस्तिका मूल रूप में एक छद्म नाम से छपी थी जो श्री एफ जे अलेक्जेंडर की लेखनी से निश्रित हुई थी। मृत्यु के क्रूर हाथों ने अलेक्जेंडर के उदीयमान भविष्य को बीच में ही काट दिया। उसका प्रारंभिक जीवन नेब्रास्का अमेरिका के ओमाहा के स्त्री मठ में बीता जहां उसने प्रारंभिक शिक्षा पाई, किंतु उसके समान वृत्ति वाले लड़के के लिए पुराने ढर्रे के उस मठ का निर्जन वातावरण असहनीय हो उठा और विशाल संसार की स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए वह वहां से निकल पड़ा। उसने एक अमेरिकी नगर के एक होटल में एक बैरे के रूप में जीवन प्रारंभ किया तथा भाग्य के विभिन्न थपेड़े खाते हुए एक समाचार पत्र के कार्यालय में पहुंचा। वहां एक अच्छे तथा प्रभावी लेखक के रूप में उसकी प्रतिभा प्रकट हुई, किंतु सर्वदा एक तीव्र आध्यात्मिक अशांति उस पर हावी रहती। यह अशांति तब तक न मिटी जब तक कि संयोग से उसने स्वामी विवेकानंद की कुछ रचनाओं को पढ़ा जिसने कि उसके लिए एक नए संसार का मार्ग खोल दिया। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद की वाणी को उसने गुरुदेव का आह्वान माना। यह आह्वान इतना सशक्त था कि वह स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित सन्यासी संघ की सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए भारतवर्ष आ गया। श्री अलेक्जेंडर 1911 में बेलूर मठ आए और उसके पश्चात वे अद्वैत आश्रम मायावती में सम्मिलित हो गए। यहाँ उन्होंने मन प्राण पूर्वक स्वयं को कार्य में समर्पित कर दिया तथा स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के प्रकाशन कार्य में बहुमूल्य योगदान दिया। यह कार्य उनके नाम को अमर कर देगा। वे एक बहुत रोचक लेखक थे। प्रबुद्ध भारत में छद्म नाम या बिना नाम के कुछ लेख उन्होंने लिखे थे जो अब इस पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। तीव्रतर आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए वे मायावती से अल्मोड़ा चले गए। 2 वर्ष वहां रहने के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए अमेरिका लौट गए, किंतु 1917 में क्षय रोग से उनकी वहां मृत्यु हो गई। जो कोई भी उनके संपर्क में आया वह उनके सशक्त मन तथा बाल सुलभ सरलता से चकित रह गया। यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे भारतीय भाव एवं आदर्श से कितने ओतप्रोत थे। उनके आंतरिक जीवन को प्रतिबिंबित करने वाले प्राक कथन के पश्चात के ये पृष्ठ उनकी आध्यात्मिक अनुभूति की गहनता को प्रकट करते हैं। ध्यान के क्षणों में इस शिष्य के मन में उठने वाले ये विचार सहस्रों उन सहयात्रियों के जीवन में दीप स्तंभ बने जो कि आध्यात्मिक अनुभूति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाधि के सोपान। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति संसार को भूल जाता है। ऐसी घड़ियां होती हैं जब व्यक्ति धन्यता की उस सीमा में पहुंच जाता है जहां आत्मा स्वयं तृप्त तथा सर्वशक्तिमान के सानिध्य में होती है। तब वासनाओं के सभी सम्मोहन निरस्त हो जाते हैं, इंद्रियों की सभी ध्वनियां स्थिर हो जाती हैं, केवल परमात्मा वर्तमान होता है। ईश्वर में शुद्ध तथा एकाग्र मन से अधिक पवित्र और कोई उपासना गृह नहीं है। ईश्वर में एकाग्र होकर मन शांति के जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है उस क्षेत्र से अधिक पवित्र और कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की और विचारों के उठने से अधिक पवित्र कोई धूप नहीं है, उससे मधुर कोई सुगंध नहीं है। पवित्रता आनंद धन्यता शांति, पवित्रता आनंद धन्यता शांति, ये ही ध्यानावस्था के परिवेश का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक चेतना इन्हीं शांत और पवित्र घड़ियों में उदित होती है। आत्मा अपने स्रोत के समीप होती है।
इन घड़ियों में शुद्ध अहम का यह झरना खर स्रोता महानदी होकर सत्य और स्थाई उस अहम की ओर बहता है जो ईश्वर चेतना का महासागर है तथा वह एकम अद्वितीयम है। ध्यान की घड़ियों में जीवात्मा सर्वशक्तिमान से अभय अस्तित्व बोध तथा अमरत्व लाभ करता है जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। वो मेरी आत्मा अपने आप में समाहित हो जाओ, सत्य के साथ शांति की घड़ियों को खोजो, स्वयं अपनी आत्मा को ही सत्य का सार जानो, ईश्वरत्व का सार जानो। वस्तुतः ईश्वर हृदय में ही निवास करते हैं।